चलो इधर आओ। चला मेरे मुंह में गंदे गंदे बैठे। गुलाब गुलाब कहती है गुलाब क्या चीज है। अनवर भाई, आज हमारे शो में डिस्कस किया जा रहा है कि रमजान ट्रांसमिशन में एक कॉल आई थी जिसमें एक शोहर कह रहा है कि मेरी बीवी जो है वो मुझे मारती है। तो अल्लामा साहब ने आगे से उनको कहा है कि जानी तुम मर दो के पिट रहे हो तो तुम्हें दो के बजाय 6 लित्तर पढ़ने चाहिए। इस पर आप क्या कहते हैं? ये देखो भाई, लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं मियाँ बीवी में, वो घर में अपना सुलह कर लें तो वो बेहतर है। और जो मर्द है ना वो रन मुरीद है, इसलिए रन मुरीद मार खाते हैं। हाँ, रन मुरीद मार खाते हैं औरत से। पहली तो बात ये कि हमारे मुल्क के अंदर औरत को इतना मजलूम बना दिया गया हुआ है ना, और मर्द की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, पिछली मरतबा मैंने यहाँ औरत मार्च देखा, मुझे दुख हुआ ना। ये हमारा हम देखो पाकिस्तान है ना, ये इस्लामी मुल्क है ना, तो एक हदूद बनाई गई है अल्लाह पाक ने ना औरत की, और उस हदूद से जो तजावीज़ करे, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है ना, वो नाजायज़ और ग़लत है ना। और मर्द को जब अल्लाह पाक ने महकूम बना दिया तो हाकिम बना दिया, तो फिर औरत को महकूम बन के रहना चाहिए। तो शोहर ही खसी होगा इस वजह से मार रहे होंगे, हो सकता है। शोहर खसी क्यों हो रहे हैं? बीवी के प्यार में इतना गिर जाते हैं, क्या करेंगे? बीवी एक किस कर देगी, वो बोलेंगे बस हो गया अपना काम पूरा। ये मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया पे ऐसी बातें लानी ही नहीं चाहिए। ये घर का मसला है, वो आपस में डिस्कस करें तो बेहतर है। एक तो बीवी है, बीवी की तरह रखे, उसको माँ बना के ना रखे। इधर लड़ाई ज़्यादा होती है तो समझो कि प्यार भी वही है। वो जो बीवी अपने शोहर को मारती है वो अपने शोहर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है? नहीं नहीं, वो तो नहीं। ये तो गलत बात है। जो शोहर अपनी बीवी को मारता है वो बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है? ये तो होती रहती है लड़ाई, हर घर में होती है। बहुत सारे मर्द हजरात हैं जो इस तरह के केसेस हाईलाइट नहीं भी करते, क्योंकि एक इगोइस्टिक वो बन जाता है कि यार मैं ऐसे लोगों को जाके बताऊंगा कि यार मेरी बीवी मुझे मारती है, तो इट माइट शो मी एज वीक। बात सुना, और घर का मसला है, घर का तुमको सब कोई घर का मसला, घर का मुर्गी घर का होता है, सही ना? तू घर का मुर्गी तुम छेड़छाड़ करोगे बाहर से, कोई छेड़छाड़ करोगे घर का मुर्गी तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। समझे? चाचा बोल रहे हैं कि अगर तुम मस्ती करोगे तो बीवी मारेगी। अच्छा, मर्द को तो मस्ती आती है ना, तो क्या मार भी इसलिए खाती है ना। बाबा जी कितना मार सकती है बीवी? बाबा भी एक मिसाल को पालो, प्यार से मारे दो चाटा मार सकते, गुस्से से मारेगा गुस्से से, नीचे मारेगा मुझे मारेगी, तलाक दे दूंगा फिर। अच्छी बात है, औरतें मर्दों को खुशी कर रही है, क्या सीन है? औरतें ही कर रही है ये, एक किस करते हैं मर्द पूरा हो जाता है बेचारा, वो बोलता है। क्या खतरनाक किस होती है वो? वो कुछ ऐसी किस होती है जो क्या नाम है, अपना मन्ना मतलब के बिल्कुल पागल ही हो जाता है, वो बोलता है बस अब तू मार भी ले तो कुछ भी नहीं बोलूँगा मैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई के उस पर कंट्रोल होना चाहिए, उसका उसको क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए, मतलब मर्द को मर्द बन के रहना चाहिए, को मर्द बन के रहना चाहिए ताकि वो औरत बन के रहे, औरत बन के रहे। जब मार दी वो जो है ना वो औरत बन जाएगा तो फिर। ये बात की है ना आपने, कैसे ना उसको समझाएं, उसको समझाएं, किसको समझाएं? उसकी जो बीवी है, उसकी बीवी को समझाएं, समझाएं उसकी बीवी को। आए हो मेरी जिंदगी में। बात ये है कि हमारे मर्द बेगैरत है जो पिट रहे औरत से, ये पहली बात होगी। जबरदस्त, मर्द होता ही है औरत पर भारी। अब अगर मर्द हो गया पस्त और औरत हो गई उस पर ज्यादा ऊपर, तो फिर वो मर्द के लिए डूबने का मकाम है। सही कहते हैं, सही कहते हैं अल्लामा साहब। अल्लाह सही कहते हैं, बीवी से मार खानी चाहिए। मैं कसूर गलती करे तो मारेंगे, नहीं गलती करे प्यार ना प्यार करेंगे। बीवियों को इजाजत है मारने की? शोरों को इजाजत है, ना मार सकती हैं बीवियां? दो चांटा मार, एक चांटा मार दे बहुत, बस दो चांटा और एक चांटा, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर औरत कोई मारे ना तो आपने गांधी जी वाला स्टाइल करना, एक गाल पे मारे तो दूसरे गाल पे स्टार्ट कर देना हाथ। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। सही है, और अगर आदमी औरत को मारे ना तो उससे बड़ा जाहिल कोई है नहीं।
ज़्यादातर जो इस सिचुएशन के अंदर आप कह लो कि मजाक भी बनाएंगे वो करेंगे, वो मर्द हजरात ही होंगे। सही है, क्यों? डीप इनसाइड वी ऑल नो कि यार देखो, अगर हम इस तरह की सिचुएशन में गुजर रहे होंगे ना, वी कांट टॉक टू एनीबडी। सही है, बिकॉज अगला बंदा मजाक ही उड़ाने वाला है। बट दैट्स हाउ द सोसाइटी इज प्राइमरीली। बीवियाँ क्यों मार रही हैं शोहरों को? शोहरों के अंदर दूसरी बीवियों के साथ घूमेंगे तो बीवियाँ मारेगी नहीं तो और क्या करेगी? पक्का ये नर का बच्चा है। ऐसी बात नहीं है, उसकी बीवी मेरे बड़े भाई के साथ। अभी क्या बोलोगे आप? नर का बच्चा ले गया। शोर का भी हक मनता है, उसको एक दफा उसको मारे, उसको ठीक करे, फिर सही हो जाएगी वो। शोर का क्या हक बनता है? उसको मारे, उसको मारेगा एक दो दफा वो सही हो जाएगी। एक दो दफा मारेगा तो सही हो जाएगी। नहीं, मेरे थॉट्स ये है कि अगर बीवी जिसकी कॉल आई है वो मारती है तो बिल्कुल गलत करती है, तो बीवी तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ऑफिस की परेशानी भी है उसको, अब ये घर में आए ये करो, वो ऑफिस में बोलता है वो करो, अब तुम्हें क्या करो? ऑफिस में बॉस गाना मार रहा है इसकी। बीवी कभी माँ का झगड़ा लेकर बैठ जाती है, कभी बच्चों को बताती है, अभी बोलती है कि कभी बच्चों ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो। तो अभी उन्हें बच्चे क्यों पैदा किए? उन्हें बच्चे तो अगर काश उस रात सो जाते हम लोग, सुकून से आज का दिन गुजारती। हाँ, लेकिन वही ना, लेकिन मस्ती थी खाली, तो बोला बस नहीं सोना है, सुन्नत करनी है पूरी, तो फिर अब सुन्नत का हिसाब करो, अभी पूरा पूरा हिसाब दिखाओ। नाम क्या बताया आपने? मोहम्मद जुबैर। जुबैर, मैं आपको एक टिप देता हूँ, अगर आप किसी लड़की को मोहब्बत करना चाहते हो ना, तो उसको कभी बहुत ज्यादा मोहब्बत मत करना। ठीक है जी। वो जो है कदर खो देगी उसकी, कम करोगे ना वो फंसी रहेगी कि जानी ये चाहता क्या है। सही, कभी इतना दे देता है, ये कभी देता ही नहीं। मोहब्बत प्यार, तो ये जो है ना कंफ्यूजन का सिलसिला लड़की को आपसे अट्रैक्टेड रखता है। अगर आप उसके नीचे बिछ जाओगे ना तो वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, मजा फिर भी तो उसी में आएगा। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। रमजान में ये इतने जो जोड़े बैठे हैं अंधेरों में, और अभी मैं आगे से चक्कर लगा कर आया हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे अम्माद भाई मैंने क्या क्या देखा है। तो ये रमजान में भी ये सब चल रहा है जानी? दबा रहे होंगे वहाँ पे सारे, अभी मैं तो बस यहाँ आगे बैठा हुआ था वैसे। लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्या पता, रोजे के बाद ठरक उतार रहे हैं अपनी यहाँ आगे। दिन में रोजा है और रात में ठरक उतार, रात में ठरक उतार रहे हैं, ऐसा ही है। ठीक है, आपको कभी मारा है बीवी ने? हैं, हम इधर ही घूमते रहते, गाँव जाते पैसे भेजते रहते बस। नहीं, जब आप गाँव जाते हैं तो बीवी आपको मारती है या आप बीवी की? हम किसी को नहीं मारते, मेरे भाई गुनाह होता है। आपका लुक जो है वो मुझे पता है किसकी याद दिला रहा है, रॉकी भाई की। नहीं यार, नहीं करो यार। रॉकी भाई को जानते हैं आप? मैं जानता हूँ। कौन है रॉकी भाई? KGF फिल्म। क्योंकि सिंध में बहुत कत्ल हुए हैं और कत्ल कराची के बंदू ने किए है, ये मुझे परसों पता लगा, जावेद डायरी ने उसके बंदे ने बताया है। कराची के बंदे कत्ल कर रहे हैं? कराची के बंदे कत्ल कर रहे हैं। और ये बीवियां ही कत्ल कर रही हैं शौहरों को? यही करवा रही हैं। आज से 26 साल पहले इंडिया का बंदा भी मैंने चीफ को FIR को पकड़ के दिया, पूछ सकते हो आप, एक नंबर क्या माड़ी के रहता है। आप एजेंसी के बंदे तो नहीं है फैज अहमद? हम मिले हुए हैं हुकूमत के साथ, हुकूमत जिंदाबाद। मतलब यू लाइक एन एजेंसी? यस। उस बीवी के लिए या फिर उन जैसी बीवियों के लिए जो के शोहरों पर हाथ उठा रही हैं, उस पर आप क्या मैसेज देते हैं? वो तो जहन्नम ही है, डायरेक्ट कोई बचत नहीं है इनकी, बचत नहीं है। जो मर्द के लाने के काबिल ही नहीं है, जो ऐसे कर रहे हैं हरकतें, उनको और मारना चाहिए, बस मैं तो यही बोलूँगा। औरतों को ये समझाना है कि भाई मर्द एक मर्तबा आपसे मार खाएगा, दो मर्तबा मार सकाएगा, तीस मार, लेकिन चौथी बार जब मर्द मारेगा ना, आगे मैं नहीं बोल सकता। मैं बस उन्हें ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सुधर जाएं, अगर शोहर का पारा हाई हो गया ना तो आप कहीं की नहीं रहेंगी फिर, क्योंकि उसने सिर्फ एक दफ़ा बस तीन लफ्ज़ बोलने, अपने गेट आउट हो जाना अपने घर पे। फिर मैं बोलता हूँ शोर को इस तरह से ही रखना चाहिए, घर काम से आए, उसकी जूते उतारे, जराबे उतारे, उसको खाना ला के खिलाए, उसकी खिस्मत करे, बाद में रात को चरपाई करे। ये बच्चा है? ये बच्चा नहीं है, गधे का बच्चा है यार, आमिर दारे।
बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक दफा कह दें अली एजाज के चैनल को सब्सक्राइब, अली एजाज को सब सपोर्ट दे और सब्सक्राइब करे, वो हमारा बड़ा है और हमारा नाजुक फूल है। चार बेद खुल गए अपनी बारुला रहा, जिंदगी हमें तेरा एक बारुला रहा।